बिहार के बेगूसराय में शादी समारोह था। सभी बाराती शादी में बज रहे गानों पर झूम रहे थे, तभी एक मासूम बच्ची के गायब होने की खबर फैली। डीजे रुका, हमला हुआ, फिर एक ऐसी वारदात से पर्दा उठा कि वहां मौजूद सभी बाराती सन्न रह गए। क्या है पूरा मामला हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो बात है, 21 मार्च को बेगूसराय में शादी का समारोह चल रहा था, तभी एक हैवान की नज़र 7 साल की बच्ची पर पड़ी। पहले उस हैवान ने मासूम को अगवा कर पास के खेत में ले गया और फिर उसके साथ हैवानियत की सभी हदों को पार कर दिया। बाद में हैवान ने मासूम का गला दबाकर मारने की कोशिश भी की, तो दूसरी ओर शादी में लापता हुई मासूम की तलाश में जुटे रिश्तेदारों ने समारोह का कोना कोना छान मारा, लेकिन बच्ची नहीं मिली। जिसके बाद उन्होंने खेतों की तलाशी लेनी शुरू की, तब उन्होंने खेत में मासूम का अधमरा शरीर मिला। तुरंत पीड़ित परिवार ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तुरंत बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया और साथ ही मामले की जांच शुरू की। शुरुआती जांच में पता चला कि पीड़ित परिवार का पड़ोसी गायब है, जिसके बाद पुलिस ने फरार पड़ोसी की खोज करनी शुरू कर दी। कुछ समय बाद ही आरोपी पड़ोसी पुलिस के हाथ चढ़ गया, जिसको लेकर ASP योगेंद्र कुमार ने बताया कि पड़ोसी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन सवाल आज भी यही है कि अगर ऐसे ही दरिंदों के हाथों मासूम को कुचला जाएगा तो इस देश में बेटियां कैसे पढ़ेंगी और कैसे बढ़ेंगी।